करने के लिए कि पेट में सांप है कि किंग कोबरा है कि बुर्ज खलीफा है। नहीं, आप तो वहाँ पे भी भेजे थे एक सरा, वो आपका हम देखे थे। मतलब हम कहाँ के, जापान से अभी आ रहे हैं क्या? हम जापान से पता चला, सांप नहीं पता चलेगा। नाम सुने थे, अब हो रहा है, तो इसमें आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं तो इन्हीं लोगों को धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं उस हॉस्पिटल में आ चुका हूं जहां पे दो सांप जिस बच्ची का पेट में था वो भर्ती है। अब यहां पे पता चला है रिपोर्ट में कि उसमें सांप है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले यहां पे इनको आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, इनका नाम समीर चौधरी है और आपका नाम बता दें। अविनाश, एनसीपी पार्टी के स्टूडेंट प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। समीर चौधरी जी, आप मतलब काफ़ी वीडियो में देखे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हम आए, देख लीजिए, मुंह से गाड़ी निकलना चाह रहा था लेकिन देंगे नहीं अभी हम। ये हरामी का पिल्ला दोगला सब, भटियारा सब, इन लोग को ये पूछिए कि जान बचाने की जब बारी आई है तो कौन माई के बिल में घुस गया है। आए, जब तुम न्यूज बनाने गए हो वहाँ जाके न्यूज बना के बोल रहे हो कि अगर पेट में किंग कोबरा बुर्ज खलीफा है, ओखनी तो नहीं सूझ रहा था। अरे भैया, क्या निकला? बुर्ज खलीफा या कोबरा? प्रोपोगंडा चला रहा था ये लोग टीआरपी और व्यूज कमाने के नाम पे, ठीक है ना? दीदी इधर आइए, ये सब एक व्यूज कमाने के नाम पे ये सब एक प्रोपोगंडा चला रहे थे। कोई भी ओकर पेट में अजगर सांप कुछ नहीं है, उसको लीवर प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम का है और ऐसा कुछ नहीं। आज उसका मैंने पेट देखा है, दीदी भी जाकर देखी है, पेट में सूजन कम गया। क्या है, आप समाज सेवी के रूप में उनका मदद कर रही हैं, तो आपको शुरू में क्या लगा था, क्या आपको भी लगा था कि उसके पेट में सांप? हमने तो ये 10 दिन से कंटिन्यू मैं इस वायरल बच्ची के बारे में जान रही थी और उसमें वो उसका हेडलाइन जो होता था ना, वो दो सांप है, बच्चे के पेट में सांप है, ऐसा कुछ बताया जा रहा था। तो कैसे पता चला कि ये वीडियो मतलब वायरल हो रहा? अरे भाई मेरे, हम कहाँ के, जापान से अभी आ रहे हैं क्या? हम जापान से पता चला, सांप नहीं पता चलेगा। नाम सुने तब नाम कौड़ दे वो कुट्टी कुट्टी, समझा कि नहीं? अगर अभी आप गिर जाइएगा ना भैया कहूँ रास्ता में, तो आपको भी न्यूज बना देगा कि मर गया भाई साहब, कुछ ना मैं अनबॉक्स भारत न्यूज वाला मर गया। अरे भैया, ऐसा ऐसा प्रोपोगंडा चल रहा है, लोग अपना कमाने के। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक चीज ये भी होता है कि जैसे सांप नहीं निकला, बहुत अच्छी बात है, सांप होना भी नहीं चाहिए, लेकिन पता तो चला सांप से ही ना। अरे भाई, सांप से पता चलता है नहीं, कैसे इस बच्ची का हमरा ना दिख रही? सांप हो ही नहीं सकता पेट में, पेट में सांप नहीं जा सकता है, कभी नहीं जाएगा। जब मुंह में ढूंकेगा ना तो उल्टी होबे लगेगा और का पीछे से ढूंकेगा, मार मार के चमड़ी नोच ले लोग। सबसे पहले कौन न्यूज? देखिए, जो भी 5-10 गो न्यूज वाले दोगला टाइप का, 5-10 गो न्यूज तो आपको याद होगा समीर जी, इतना तो आपका याददाश्त कमजोर नहीं है। भाई वाह, मेरे तो याददाश्त कमजोर नहीं, तो कौची कहना चाह रहा हूँ। हम उस सब न्यूज वाले को बोल रहे हैं जो भी इसका वीडियो चलाया है सांप बना के, आप लोग सब समझ जाइए कि ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरे बंधु, सांप ना है। इंसान मरता रहेगा, उसको हम छोड़ देंगे? मेरे पिता, मेरे माँ बाप ने सिखाया, मेरे माँ बाप ने सिखाया है गिरते को सहारा देना। हम भी चाहते भ्यूजखोरी कर सकते थे, हम भी लिख सकते थे कि पेट में किंग कोबरा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे साफ साफ दिखा था रिपोर्ट में कि वहाँ पे कीड़ा है। मैंने बयाप्ता बताया भी उस दिन कि पेट में कीड़ा है और इसकी इलाज संभव है। हम उसी के कारण हम इसके करीना के पिता को, राजकुमार पासवान को मैंने फ़ोन किया कि चाचा आप कल बच्ची को लेकर आइए, हम इलाज करवाएंगे। तो हमने अपने 3-4 संस्था को फ़ोन किया कि भैया सब मैटर है, बोले ठीक है आप क्रूस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए, बाकी दोनों जी हम लोग देखेंगे। उन्हीं के भरोसा पे हम लेकर आ गए, एडमिट करवा दिए। आज देखिए बच्ची बचने के कगार पर है, सांप भी पचक गया, पेट पचक गया। ये सच्चाई है, तो ऐसे मदद तो और लोग भी कर सकते हैं ना, आप ही क्यों आ गया है? क्या मैंने क्या कहा? हम मरते हुए किसी को नहीं छोड़ सकते थे, हमने देखा कि बच्ची मर रही है, उनको बचाना है, इसीलिए सामने कर दिए बचा के। कल तक कोची कह रहा था आपको कि जनमंच वाला ठगता है, जनमंच वाला चोटता है, ये पागल आदमी हो गया जब भलाई करा, ये जानते है क्या किए हैं? अरे जनमंच वाला ये जो थाना है ना कि सबका इलाज करवाना है, यही गलती सब नंबर है। जो भी मरीज है बिहार में कैंसर, आँख, आपका क्या योगदान? जिसको इलाज करवाना है हम अपन शरीर के हाथ सारा अंग दे दे भाई, समझ ली, इलाज करावे में ना भाई बाबा का भूमिका है, ये सब चोटा सबके खुलासा करवा भी थी। देखिए भाई साहब, ये भाई जो है ना एक पत्रकार है, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जो जाके सांप और सफेड़ा बना देते हैं ना, मत कीजिए ऐसा भैया, सही कह रहे हैं। शर्म आती है कि हमारे बिहार के लोग ऐसा बलगाने का काम कर रहे हैं, कुछ
तो मतलब ऐसे जो वायरल होता है, जो बहुत बच्चा वायरल होता है ऐसे भाई, सबके सांप पीछा घुसा देते हो? कुछ ही ना कुछ। अच्छा उस सांप, अच्छा उस समझ नहीं, क्यों बेटी है वो एक समाज की बेटी, और बेटी को आप ऐसा कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। जो पत्रकार लोग थोड़ा बहुत मदद किए हैं पैसे से, उनको क्या कहें? मदद की है तो यहाँ आइए, एक एक यूनिट खून दे दीजिए अपना, 500 रुपया दे दे, वैसे बड़का मदद कर दिए हैं। थोड़ा 500 रुपया तो अपना घरे में रख। मेरे साथ राजकुमार जी हैं, करीना के पिताजी हैं। तो अब क्या लग रहा है, अब तो सांप नहीं निकला ना, कंफर्म हो गया? हाँ अब सांप तो नहीं है, लीवर का प्रॉब्लम है सर। तो आप बोल रहे थे कि इलाज के लिए, तो अब इलाज तो हो रहा है, बढ़िया से इलाज हो रहा है, तब खुश हैं? जब हमारे भगवान मिल गए तो क्यों ना इलाज होता हूँ। नहीं आप जब मैं गया था तो आप कह रहे थे कि इसी तरह बचाइए, तब इस तरह के आदमी आ गए ना सामने बचाने। देखिए मैं इनको फोन भी किया था मैंने इनको शाम में एक दिन, और बोला कि आप किसी मीडिया वालों को इंटरव्यू मत दीजिए, दीजिए तो 2000 रुपया मांगिए। तो उस दिन इनको मेरे बारे में पता नहीं था कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, लेकिन मैंने एक रिपोर्टर भेजा अपना। आप जैसे पहले बंद कीजिए, फिर भी अभी आप तो एक जान जा रहा था, अब आपको सुधार दिख रहा है ना, पेट पचक रहा तब भी रोइएगा, तो फिर आदमी कैसे करेगा? आदमी को आप लोग डर बनवा दिए, पेट में सांप पेट में अजगर बना दिए आए, ओकर बाद जब बच्चा का जान बचाने की बात आ रही है तो एक यूनिट खून देने के लिए कोई माई के लाल तैयार नहीं हो रहा है। रोना बंद कीजिए राजकुमार जी, आपकी बच्ची का इलाज हो रहा है, लोग लगे हुए हैं, रोना बंद कीजिए। आप ये बताइए कि आप जो चाह रहे थे अब हो रहा है, तो इसमें आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं तो इन्हीं लोगों को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे फोन करके बुलाए। हम लोग डॉक्टर साहब के धन्यवाद के पात्र हैं, हमारी दीदी ये जो महिला है ना, ये वो महिला का जान बचा रही है, वो जो लड़की है ना वो बेटी है समाज की, समझे ना, वो बेटी आज बच जाएगी, कुछ बन जाएगी पढ़ लिख के, तो कम से कम दीदी का वो नाम रोशन हो जाएगा। चल और हम लोग एक समाज का अधिक कर रहे हैं, सामाजिक कार्य, इसमें कहीं से कोई हम लोगों को प्रॉफिट और अथी का बात नहीं है, बस हम लोग केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, और कर्तव्य निभाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हर किसी को निभाना चाहिए। चलिए राजकुमार जी अब आप खुश हैं, आप जाइए अब अंदर, आपसे बस यही पूछना था कि अब सांप बिच्छू अजगर इसमें नहीं है, ठीक है? इत्मीनान से बैठिए, आपकी बेटी स्वस्थ हो जाए, ठीक है?